दोस्तों, धर्म को लेकर हमेशा ये बात आती रही है कि पतंजलि मुस्लिम भाइयों के साथ धोखा करती है। इसके सभी दवाओं में गोमूत्र होता है जिसे छिपाकर वो लोग दवाओं को बेचते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पतंजलि से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुझे अपने ऑडियंस से प्यार है, मुझे आप लोगों से प्यार है। जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें उन लोगों का ध्यान रखना है, उन लोगों से प्यार है। इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम आप लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं। पतंजलि से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेडिसिन दवा जो है ट्रेडिशनल है, आप किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या पतंजलि के दवाओं के अंदर गोमूत्र होता है, या फिर किस किस दवाओं के अंदर गोमूत्र होता है, क्या वो छुपा करके बेचते हैं, छिपा करके बेचते हैं, क्या है सच्चाई। इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों, के लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि पतंजलि में ये क्या सच्चाई है, क्या वो सच में दवाइयों में गौमूत्र मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सत्य है कि पतंजलि जो है दवाओं में गौमूत्र मिलाती है, लेकिन मार्केट में जितनी भी मेडिसिन बिक रही है उन सब में गौमूत्र नहीं मिलाया जाता। और ये बिल्कुल भी छिपा करके, ये गलत है, लोग कहते हैं कि छिपा करके मार्केटिंग की जा रही है, ये बिल्कुल भी गलत है। जिस भी दवाओं में गौमूत्र मिलाया जाता है या फिर गौमूत्र का अंश है, उन दवा के ऊपर बिल्कुल भी लिखा होता है कि इसके अंदर गौमूत्र मिला हुआ है। तो पतंजलि जो है आज के रेट में हजारों औषधियां जो है मार्केट में उतार चुकी है, जिसकी मार्केटिंग कर रही है और बेच रही है, लेकिन उन हजारों औषधियों में से मात्र 5 ऐसी औषधियां हैं जिसके अंदर गौमूत्र मिलाया जाता है, जिसके अंदर गौमूत्र है। और उन दवाओं पर या फिर उन प्रोडक्ट्स पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर गौमूत्र का उपयोग जो है किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम उन 5 प्रोडक्ट पर बात करेंगे, किस किस के अंदर जो है गौमूत्र का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गौमूत्र का प्रयोग किया गया है, वो है गोनाइल। गोनाइल के अंदर सबसे ज्यादा गौमूत्र का प्रयोग किया गया है, और यह एक फ्लोर क्लींजर है जो फर्श की सफाई के लिए काम में लिया जाता है। पतंजलि का दावा है कि ये जो गोनाइल है, जो मार्केट में जो प्रचलित फिनाइल है, उससे भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यह फर्श से सभी प्रकार के हानिकारक जीवाणु विषाणु को जो है मारने में सक्षम है। इसके अंदर गौमूत्र के साथ साथ कई सारी जड़ी बूटियों का तेल का भी मिश्रण है, जैसे चिड़, देवदार व लेमन ग्रास का तेल भी इसके अंदर मिक्स है, जो विषाणुओं को मारने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि गोनाइल के अंदर गौमूत्र होता ही है, क्योंकि इसके नाम से भी आपको पता लग रहा होगा। उसके बाद अगला जो है वो है गोधन अर्क। इस साफ साफ गौमूत्र के नाम से ही आता है, तो इस पर भी डाउट करने वाली कोई बात नहीं है। ये गौमूत्र को फिल्टर करके यानी शुद्ध करके आता है, यानी गौमूत्र को डायरेक्ट नहीं लाया जाता, उसका शोधन होता है। उसको शोधन करके, बिल्कुल भी शुद्ध करके, फिल्टर करके इसको जो है मार्केट में उतारा गया है। इसका प्रयोग शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, स्किन की कई सारी समस्या को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, गोधन अर्क का। और इसके अंदर 100% गौमूत्र का ही उपयोग किया गया है, इसके अंदर गौमूत्र ही है, बस फिल्टर करके भले ही आया है, लेकिन ये टोटली गौमूत्र है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है एक आता है साबुन, जो नहाने के लिए आता है, वो है पंचगव्य कांति। ये नहाने का साबुन है जो आता है, पंचगव्य से बना हुआ है। पंचगव्य में गौमूत्र भी आता है, गाय का गोबर भी आता है, तो ये दोनों ही चीजें इसके अंदर मिलती हैं, क्योंकि पंचगव्य से बना हुआ है, जो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में गौमूत्र होता है, लेकिन इसके अंदर होता है। और यह भी त्वचा की समस्या को दूर करने के लिए ही इसका उपयोग होता है, यानी कि बहुत सारी घमौनियाँ वगैरह हैं, त्वचा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो पंचगव्य कांति साबुन से नहाने की सलाह दी जाती है, जिसके अंदर गौमूत्र पाया जाता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन गौमूत्र उसके अंदर है। उसके बाद चौथी जो मेडिसिन है वो है खाने के लिए, और वो है संजीवनी बटी। इसके अंदर
एक वत्सनाभ नाम का एक प्लांट होता है जिसे मीठे जहर के नाम से भी जाना जाता है, मीठा जहर इसको बोला जाता है, यानी पॉइजनिक प्लांट है यह। उस पौधे को शोधन करने के लिए गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमाण शास्त्र में ही मिला हुआ है कि इस पौधे को औषधि के रूप में लेने से पहले, उपयोग करने से पहले इसको गौमूत्र से शोधन किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका शोधन करने के लिए ही इस प्लांट को गौमूत्र में भिगोया जाता है कुछ टाइम के लिए, भिगो करके उसको निकाल करके जो है उसका शोधन हो जाता है। उसके बाद जो है इससे जो है दवाइयां बनती हैं, यानी कि संजीवनी बटी बनती है। सीधे तौर पर इस पर कोई गौमूत्र नहीं मिलाया गया है, लेकिन गौमूत्र से उस प्लांट का शोधन किया गया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर भी गौमूत्र का अंश है, और इस पर भी साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर गौमूत्र का अंश है, गौमूत्र मिला हुआ है। संजीवनी बटी में पाचक, दीपक, ज्वरनाशक, कफनाशक एवं कृमिनाशक गुण पाए जाते हैं। इसमें विषनाशक गुण भी पाए जाते हैं, जिससे किसी जहरीले कीड़े के काटने पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा जाता है। यानी कि कोई जहरीला कीड़ा काट दिया है, यहां तक कि सर्प ने भी अगर काटा हुआ है, तो उसके जहर को भी कम करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा जाता है। उस कंडीशन में भी आप इसको खिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर्प ने काटा और सिर्फ इसको खिला करके निश्चिंत हो जाइए। उसके लिए एंटीवेनम आपको लगवाना होगा, आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके प्रभाव को कम करेगा और आपको दोबारा से स्वस्थ बनाएगा। इसीलिए इसका नाम संजीवनी है। यानी कि बुखार वगैरह है, पुराने से पुराना बुखार आपका सही नहीं हो रहा है, ज्वर जो आपका सही नहीं हो रहा है, कफ जो है आपको नहीं छोड़ रहा है, सही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में संजीवनी बटी का बहुत अच्छा उपयोग है। आपको इसका जरूर सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को गौमूत्र से परहेज नहीं है, वो लोग जो है संजीवनी बटी का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा और लास्ट जो इनकी औषधि बनाई जाती है, वो है कायाकल्प तेल। यह तेल स्किन की समस्या के लिए बनाया गया है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या फिर किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर गौमूत्र प्रयोग किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो है लगभग जितनी भी स्किन से संबंधित औषधियां बताई गई हैं, जो नुस्खे बताए गए हैं, उसमें गौमूत्र का उपयोग जरूर बताया गया है। किसी भी रूप में डाला जाए, किसी भी रूप में उपयोग किया जाए, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम है तो गौमूत्र का उपयोग करना आयुर्वेद के अंदर सलाह दिया गया है। इसीलिए ये जो दवा बनी है उसके अंदर गौमूत्र का उपयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से ये जितनी भी सारी पांच औषधियां हैं, उस पर आप देखेंगे तो उस पर मेंशन है बड़े अक्षरों में कि इसके अंदर गौमूत्र मिलाया गया है। तो दोस्तों, ये था सारा मेडिसिन जिसके अंदर गौमूत्र मिला हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी भी मेडिसिन पर, बाकी किसी पर डाउट होता है तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। अगर गौमूत्र मिला हुआ है तो ये पॉलिसी है, पतंजलि की हमने बात किया हुआ था, तो ये पॉलिसी है कि उस पर गौमूत्र अगर पड़ा हुआ है, जरा भी अंश पड़ा हुआ है, तो उस पर जरूर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसीलिए आपको संदेह नहीं होना चाहिए। इन पांच औषधियों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे बिल्कुल भी गौमूत्र रहित हैं, उसके अंदर कोई गौमूत्र नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।